जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या देखेंगे क्या 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 कि दोस्तों आपका जो YouTube चैनल है और मोनेटाइज होने से पहले आपकी जो भी वीडियोस में आपकी व्यूस आई थी, वॉच टाइम आया था, कि उसके पैसे आपको मिलेंगे या उसके काउंट होंगे। दोस्तों मोनेटाइज होने से पहले आपकी जो भी वीडियोस में व्यूस आए थे, वॉच टाइम आए थे, उसके पैसे मिलेंगे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले 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 हैं पहले जानेंगे दोस्तों कि ये मोनेटाइज क्या होता है। दोस्तों आपके आपको सबको पता है, दोस्तों अभी बच्चे बच्चों को पता है कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन क्या होता है। मोनेटाइजेशन दोस्तों कि 1000 आपके सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। दोस्तों ये नहीं हुआ तो आपके मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपको धन लक्ष्मी नहीं मिलेगी। धनलक्ष्मी आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मेहनत करो, वीडियो डालो रोज, और आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम चाहिए। लेकिन ये मुद्दा नहीं है दोस्तों, इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग है कि इससे पहले जो भी आपने वीडियो बनाया, मतलब स्टार्टिंग से वीडियो बनाए, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी दोस्तों, जो पहले बहुत अच्छी पॉलिसी थी, अभी बहुत बेकार पॉलिसी, मतलब ठीक ठाक पॉलिसी है, कि पहले पॉलिसी थी दोस्तों कि आपने वीडियो, मतलब आपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किए तो आपकी वीडियो में एड आती थी। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पैसा कैसे देता है आपको, सिर्फ आपको एड के पैसे देता है दोस्तों, और कुछ पैसे नहीं देता फालतू के। आपको एड के पैसे मिलते हैं, जितने ज्यादा व्यूज में, मतलब जितने ज्यादा लोग उस एड को देखेंगे उतने आपको, मतलब उतनी धन लक्ष्मी मिलती है दोस्तों। आपको क्या धन लक्ष्मी मिलती। तो दोस्तों गांधी जी मिलते। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोनेटाइज चाहिए। क्योंकि अभी क्या जो पॉलिसी निकली दोस्तों, उसमें क्या आपका मोनेटाइज हुआ तो तभी आपको एड दिखाएंगे, एड दिखाए तभी आपको गांधी जी मिलेंगे। तो उससे पहले क्या दोस्तों कि आप मोनेटाइज नहीं हो, आपने सब्सक्राइबर मोनेटाइज होने से पहले आपको जो भी वीडियोस डाले, जितना वॉच टाइम है, जितना व्यूज आए दोस्तों, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। हे भगवान, उठा ले, मुझे नहीं, जिसने पॉलिसी बनाई है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सिर्फ जो आपसे पहले के व्यूज है, मतलब कितने भी आए, 1000 है, 2000 है, 3000 है, उनके व्यूज के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वॉच टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे। जब तक मोनेटाइज होने के बाद जिसने उस वीडियो को दोबारा से देखा और व्यूज आए तो उस पे आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा होने लग गया तो आपके महीने की पगार आ जाएंगे, एक साल की, मतलब टोटल मोनेटाइज किया तो 1,00,000 रुपए आ जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्यों? तो दोस्तों आप देख सकते, कोई भी मोनेटाइज वीडियो बनाता है वो सिर्फ बोलता है कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपए मिले। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब उस महीने में जितने भी उसके व्यूज कितने देखे, जितने लोगों ने उसके वीडियोस देखे, उसके हिसाब से जितनी एड दिखाई गई, कितने बार एड दिखाई गई है, उस एड के हिसाब से उसको पैसे मिलते, फिर उसका ग्रोथ होता रहता है, फिर वो 1000 रुपए से लाखों रुपए से करोड़ों से अरबों से खरबों। तो इतने पैसे कमाता है दोस्तों। तो इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, मोनेटाइज होने से पहले आपके भी जो वीडियोस है जिसमें एड्स नहीं आती तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, उतना जो वॉच टाइम है उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वॉच टाइम तो गिना जाएगा, 4000 वॉच टाइम दोस्तों, लेकिन बाद में जो व्यूज आने लगेंगे उस व्यूज पे आपको पैसे मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। अब दूसरा मुद्दा दोस्तों कि आपका मोनेटाइज हो गया वीडियो और एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ आप भी सोच नहीं पाएंगे, ऐसा वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। अभी हाल ही में कैरी मिनाटी जी का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, लेकिन उनके जो वायरल होने के बाद वीडियो उनका डिलीट मार दिया गया था दोस्तों वीडियो, क्योंकि कुछ उनको लगा थर्ड वॉर शुरू हो जाएगी ऑनलाइन में, तो यूट्यूब वालों ने उनका वीडियो डिलीट मार दिया था। लेकिन उनके तो व्यूज दोस्तों करोड़ों में आए थे, सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स बढ़ गए थे दोस्तों, लेकिन वो व्यूज बढ़ गए तो जो वॉच टाइम बढ़ गए थे उनके पैसे मिले थे दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब वालों ने उनका वीडियो डिलीट मार लिया था। लेकिन मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा दोस्तों, सीधा सीधा बताऊंगा कि उनको पैसे मिल गए थे दोस्तों, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी दोस्तों कि उनमें एड दिखाए गए, मतलब एड वालों ने क्या किया था, उनको तो पैसे दिए यूट्यूब वालों को, यूट्यूब वालों ने उस वीडियो पे एड दिखाई गई,
तो उस हिसाब से कैरी मिनाती जी को उनके पैसे मिल गए। कितने मिले वो तो पता नहीं दोस्तों, क्योंकि अपने रिश्तेदार नहीं हो कि बताने वाले। तो दोस्तों उनको जो मोनेटाइज, मतलब जिसका भी वीडियो वायरल हुआ बाय चांस वो डिलीट हो गया, या आपने खुद ने डिलीट मार दिया, लेकिन जितने एड्स दिखाई गई उस पे, जितने लोगों ने व्यूज देखा, मतलब जितने लोगों ने देखा और कितना वॉच टाइम देखा, उतने आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि जो एड वाली कंपनी, मतलब जिसने भी जो कंपनी है, जिसने भी एड दिया है यूट्यूब को और यूट्यूब ने आपके चैनल पे दिखाया है, तो इस हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे। क्योंकि एड वालों ने पैसे दिए यूट्यूब वालों को, तो यूट्यूब वाले आपके चैनल पे दिखाएंगे, वो पैसे कमाएंगे, तो आपको क्यों नहीं देंगे। तो दोस्तों जो भी आपके वीडियोस में एड दिखाई गई है और आपने बाय चांस उसको फ्यूचर में जाके डिलीट मार दिया, या किसी यूट्यूब वालों ने डिलीट मार दिया, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा है दोस्तों, उससे पहले कि आपके जो मोनेटाइज होने से पहले जो भी वीडियोस आपने कितने लाखों हजारों करोड़ों वीडियोस डाल दिए, मतलब हजार वीडियो डाल दिए दोस्तों, और उसमें एड्स ही नहीं आए, तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। आई एम सॉरी, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये यूट्यूब की पॉलिसी में दोस्तों कि जब तक आपकी वीडियो पे एड नहीं दिखाई गई, तब तक एड नहीं दिखाई गई और उतने व्यूज नहीं आए, तो तब तक आपको गांधी जी नहीं मिलेंगे। क्या गांधी जी नहीं मिलेंगे दोस्तों आपको। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझाऊंगा और आपको पता लगाऊंगा कि कैसे पैसे मिलते, कब पैसे मिलते, कब मोनेटाइज होने के बाद, कब एड दिखाने के बाद पैसे मिलते। उससे पहले जो भी आपने वीडियोस बनाए, तो आप बोलेंगे दोस्तों यूट्यूब वालों को, भाई मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर होने से पहले इतने सारे वीडियोस डाले थे मोनेटाइज होने से पहले, तो मुझे इतने पैसे क्यों नहीं मिले। तो बाय चांस दोस्तों आपको एक साल लग गया आपको मोनेटाइज करने में, लगभग एक साल लग गया, और आपने 1000-2000 वीडियोस डाल दिए और उसके व्यूज आ गए दोस्तों, मान लीजिए 50,000, 1,00,000 व्यूज आ गए दोस्तों, लेकिन उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें एड दिखाई नहीं गई। एड दिखाई नहीं गई मतलब किसी कंपनी ने उनको पैसे नहीं दिए और उस कंपनी यूट्यूब वाले ने उसको एड ही नहीं दिखाई दोस्तों। क्यों एड कब दिखाई देंगे? क्योंकि पहली पॉलिसी थी दोस्तों कि आपको एड दिखाई जाती थी जो भी यूट्यूब चैनल नया भी हो मोनिटाइज होने से पहले। ये पॉलिसी अभी निकली 2019 में निकली है, हमारे जैसे वालों को खाने के लिए निकली है, पेट मार मार के खिलाएंगे साले, बहुत मेहनत करवाएंगे। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी अब तो, क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था, मोनेटाइज नहीं होने से पहले भी ऐड दिखाई दे जाती थी और उसके पैसे में ले जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, वो भी डेढ़ शानी हो गए दोस्तों, डेढ़ शानी यूट्यूब वाले भी। तो आप क्या हो गया दोस्तों कि पहले आप मोनेटाइज कीजिए, मोनेटाइज होने के बाद जो व्यूज आएंगे, जो ऐड दिखाई गई, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हमको पैसे कैसे मिलते हैं यूट्यूब वालों को दोस्तों? एक ऐड के थ्रू मिलते हैं, एक वॉच टाइम हो गया दोस्तों, ऐड के ज्यादा से ज्यादा ऐड के थ्रू पैसे मिलते हैं। और दूसरा जो इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर बोलते हैं फॉलो करो, मैं भी बोलूंगा दोस्तों फॉलो करो, नीचे लिंक दिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जाइए थोड़ा सा क्या करना है दोस्तों, इस पे क्लिक करना है और फॉलो पे क्लिक करना है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो पे क्लिक करना सिर्फ दोस्तों, फॉलो कीजिए, उनके थ्रू भी उनको पैसे मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि उनमें भी ऐड दिखाई जाती है, वो भी ऐड दिखाते हैं। तो ये अलग से वेबसाइट है। जो फेसबुक क्यों फेमस है दोस्तों? फेसबुक ऐड के लिए फेमस है क्योंकि उसमें देखो दोस्तों कितने हजारों लाखों में ऐड दिखाई जाती है, तो ऐड के थ्रू फेसबुक चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे यूट्यूब वाले पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक पसंद ही आया होगा, समझ आया होगा कि आपको पैसे कब मिलेंगे, क्यों मिलते, कब कैसे मिलेंगे, ऐड के थ्रू पैसे मिलेंगे, बिना मोनेटाइज हुए पैसे नहीं मिलेंगे। क्या बोले? नहीं मिलेंगे। तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास की सफाई रखें, अपने परिवार का ख्याल ही रखेंगे ना दोस्तों, और क्या करेंगे, ज्यादा ख्याल रखें। करुणा चल रहा इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, करुणा, इसकी माँ अरुणा, करुणा चल रहा बोल के ये डायलॉग बोलता दोस्तों। तो ख्याल रखें, तो आखिर में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम, हाँ फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय हिंद दोस्तों।